ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी, नियर बशीर मेहंदी वाला, मुमरा। मैं तो आपको खुला चैलेंज करता हूँ, अवार्ड साहब का यहाँ नाम है, आप इसको सिर्फ हाथ लगा के देखिए। तो हाथ लगाने की बात कर रहे हो तो बोले हम उतार के नीचे कर रहे। मैं उनको सिर्फ नाम को हाथ लगा के दिखाई, हम हाँ नाम ही इतना ऊंचा है, हाथ लगाने को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उनको, एक 25-50 साल जाएंगे उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए। देखिए हाइट देखिए आप, वो नाम निकालना ख्वाब देख रहे देख लो, लेकिन हकीकत में सामने आएंगे तो जवाब करारा मिलेगा। और वो मोहतरमा जो है यहाँ जो अंधेरी से आके यहाँ मुमरा में राजनीति कर रही है, ये बबीता जी अगर जेठालाल के कंधे पे भी खड़ी होगी तो भी आवाज साहब के काम के ऊंचाई को छू नहीं सकती। महेश तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के मित्तल ग्राउंड के पास, जो एमएम वली का रोड बनाया गया है। दरअसल इस रोड के शुरुआत में ही गेट पर विधायक जितेंद्र आवाट का नाम लिखा गया है। और कल बीजेपी की नेत्री रिदा रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस गेट पर जो जितेंद्र आवाट का नाम लिखा गया है, ये क्यों लिखा गया है, क्या वजह थी, किसकी निधि से ये रोड बनाया गया, अगर ठाणे महानगर पालिका ने इस रोड को बनाया तो फिर इसके गेट पर विधायक जितेंद्र आवाट का नाम क्यों लिखा गया है। मनपा से पत्र व्यवहार किया है रिदा रशीद ने और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अगर 8 दिन के अंदर इस नाम को नहीं हटाया गया तो वो खुद इस नाम को हटा देंगे। एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद, जो आज यहाँ पर पहुँचे मेमोली के गेट पर। हम बात करेंगे इन्हीं लोगों से, बबलू शेमना मौजूद हैं यहाँ पर। क्या बताएंगे आप, जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कहा गया कि जो एमएमएली का गेट है इस पर विधायक जितेंद्र आवाट का नाम लिखा हुआ है, तो इसे रिदा रशीद ने कहा अगर मनपा ने 8 दिन में कार्रवाई करके नहीं हटाया तो वो खुद इसे हटा देंगे। जो बोल रहे हैं, इनका इस मुमरा शहर में क्या योगदान है, इनको मुमरा में कितने साल हो गए आके, जिनकी वो बात करें, जिनकी नाम हटाने की बात करें, वहाँ इनको मुमरा ने 3 बार चुन के दिया है, अरे भारी मतों से चुन के दिया है। और ये जो रोड है, ये रोड जो बनाया गया है, ये जो रास्ता का संकल्पना बोलते हैं ना मराठी में, उसको बोलते हैं डॉक्टर जितेंद्र आवाट साहब का संकल्पना से बनाया गया है, संकल्पना से बना। और उसकी पूरा उस टाइम के सिटी इंजीनियर हौसलमल साहब थे, फिर अपना कंसल्टेंट जो लिए गए थे वो ऑडी बोल के, और उसके बाद कार्यकारी अभियंता सुधीर गायकवाड़, ये सबको मिला के साहब ने अपने सुझाव, अपनी आइडिया, जो जो चीज़ लगने वाली है वो सब उनके संकल्पना से सब कुछ हुआ, उनकी सब आइडियाज़ थे। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक के जो पोल्स भी लगा गए वो भी उनने खुद चॉइस किए गए और डिज़ाइन की। और मैं आज को ये आपको ये बता दूँ कि अभी तक ये रोड रास्ता जो बना है, ये कॉन्ट्रैक्टर ने अभी तक थाने महानगर पालिका को हैंडओवर भी नहीं किया है, थाने महानगर पालिका को हैंडओवर भी नहीं किया। ये टंकर थाने महानगर पालिका जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसकी एक खुद के खर्चे से ये बोर्ड बनाया गया है और उसने अभी तक थाने महानगर पालिका को वर्ग बोलते मराठी में, उसको बोलते वर्ग नहीं किया गया, मतलब अभी तक हैंडओवर नहीं किया। गेट लगाएगा ये मनपा ने लगाया है या आपके पार्टी ने खुद लगाया? ये अभी जो रस्ते का जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ने अपने खुद के खर्चे से ये बोर्ड लगाया है, ये अभी लगा। और मैं तो बोलता हूँ ये बोर्ड तो छोड़ो, ये थाने महानगर पालिका उसका जवाब देगी। अभी जो उन्होंने पत्र व्यवहार किए, हमने भी पत्र व्यवहार किया, जो भी जवाब देगा। मैं तो आपको खुला चैलेंज करता हूँ, अवार्ड साहब का यहाँ नाम है, आप इसको सिर्फ हाथ लगा के देखिए, फिर हम उसका जवाब क्या देना। आप तो हाथ लगाने की बात कर रहे हो तो बोले हम उतार के नीचे कर। मैं तो बोलता ना, यही बोलता उतार निकाल देंगे ना, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि हाथ लगा के दिखा दे, ये हम अवार्ड साहब के या हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाट साहब के कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ताओं के हमारा ये है कि उनको नाम को सिर्फ हाथ लगा, उनको तो छोड़ दो, उनको सिर्फ नाम को हाथ लगा के दिखाइए, हम बोला। शारिक भाई, बबलू भाई कह रहे हैं कि
नाम तो दूर है, हाथ लगा के दिखाएं। हाँ, नाम ही इतना ऊंचा है, हाथ लगाने को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उनको, एक 25-50 साल जाएंगे उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए। देखिए हाइट देखिए आप, थाने महानगर पालिका जो खुद इस्टेब्लिश है, बॉम्बे हाई कोर्ट या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है, जब फॉर्म होती है, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाता, फलक लगाया जाता है कि किसके कार्यकाल में हुआ है, किसका प्रस्ताव था, तो उसी तौर पे उसी तरह पे ये रखा गया है। अब इससे उनको प्रॉब्लम है, उनको मैच में ध्यान दो, बोलो कितने छक्के पड़े, कितने चौके पड़े, उस पर ध्यान दो, या ऊपर मत देखो, आराम करो थोड़ा, ऐसा है। यहाँ पर और भी मौजूद हैं कार्यकर्ता एनसीपी के, वंटी भाई क्या कहेंगे? ये जो विषय में इन्होंने लेटर दिया है, 8 दिन का समय है, 8 दिन का समय है, और 8 दिन के बाद या और भी कभी भी आमदार जितेंद्र और सब का नाम निकालने के लिए वो आएंगे। उन्होंने बोला है कि हम हमारे तरीके से आएंगे, अगर प्रशासन नहीं निकालेगा तो आप आओ आपके तरीके से, हमारे तरीके से हम आपको जवाब दे देंगे। ये नाम निकालना क्या खाने का काम है? और आप विकास करने आए हो ना, आप विकास की बात करते हो, सरकारी जगहों पे बिल्डिंगें बन रही है, उनकी प्लिंथें जाके उखाड़ो, सरकार तो आपके हाथ में, उनकी प्लिंथें उखाड़ो, वो करो, वो नहीं कर रहे। इतना अच्छा रास्ता बना हुआ है, वो रास्ता नहीं दिख रहा है। ये आए सुपारी लेके, क्या करेंगे कि जितेंद्र आवर साहब का नाम निकालेंगे। वो नाम निकालना ख्वाब देख रहे, देख लो, लेकिन हकीकत में सामने आएंगे तो जवाब करारा मिलेगा। चैलेंज है एक तरफ, आपके तरफ से भी चैलेंज किया जा रहा है कि मुबीन सर्वे साहब को ये बोलने से पहले उनको सुभाष भोईर का वो चमाट याद करना चाहिए। तो सुभाष भोईर साहब ने उनको क्या, तो एक बार फिर बताइए जरा क्या मैंने बोला इनको, अपना मुबीन सर्वे साहब को ये बात करने से पहले उनको सुभाष भोईर का वो चमाट याद करना चाहिए। अच्छा। तो सुभाष भोईर साहब ने उनको वहाँ भोलेनाथ नगर में मारा था, उनकी ऐसी हरकतों की वजह से ही मार खाए थे वो। तो कैसा है कि ऐसी कोई हरकतें ना करें जिसकी वजह से शहर का माहौल ख़राब हो, पुलिस प्रशासन को ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़े। देखिए, आपको राजनीति करना है तो पब्लिक के काम से राजनीति करिए। आप ये जाति धर्म की राजनीति करके, मंदिर इलीगल है, मस्जिद इलीगल है, ये बोलकर आप शहर का माहौल ख़राब कर रही हैं, और वो मोहतरमा जो है यहाँ जो अंधेरी से आके यहाँ मुमरा में राजनीति कर रही हैं, तो मुमरा में जो है वो 2-3 उन्होंने जो सभाएं यहाँ पर करवा चुकी हैं, और जो सभाओं का जो हिंदू संगठनों का जो सभा जो यहाँ पर कल्याण फाटा पे हुई हो उसका समर्थन उन्होंने किया, उसके लिए मुमरा से लोगों को लेके गई, मुमरा से जो 2 रैलियाँ गई है जिसका तमाशा मुमरा में हुआ, और मुमरा में आज तक जो चीज़ें नहीं हुई, मुमरा में एक हिंदू मुस्लिम जो हमेशा मिलजुल के रहे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, और OBC समाज के लोग हैं या बौद्ध समाज के लोग हों, क्रिश्चियंस हो, यहाँ पर हमेशा 92 का राइट्स हो, 84 का राइट्स हो, यहाँ हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये कुछ दिनों में आके माहौल को ख़राब कर रही हैं, और ये जो कर रही हैं ये बहुत गलत काम है। हम प्रशासन से ये विनती कर रहे हैं कि इनको रोका जाए, आगे चलकर शहर का माहौल ख़राब होगा, उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन फिर खुद होगा। आमदार साहब का ये जो बोर्ड लगा है ये उनके काम का नाम है, उन्होंने जो काम किया है, यहाँ जो रोड बनाया है उसके एवज में इसका काम हुआ ये, और ये उनके कार्यकाल में हुआ काम है। आप ऐसा कुछ काम करके दिखाओ ना, जो काम हुए उसको तोड़ने की बात क्या कर दें, तुम ऐसा कोई काम करके दिखाओ और फिर पब्लिक के बीच में आके बात करो कि हमने ये काम करके दिखाया। तुम ये मस्जिद इलीगल, मंदिर इलीगल करके राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि कुछ काम करो, काम करके काम का जवाब लो। झगड़ा करोगे तो जो जैसा करोगे उसका वैसा जवाब मिलेगा। हम ये प्रशासन से बोल रहे हैं कि अगर यहाँ कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार वो लोग खुद होंगे, आगे कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। एक मिनट, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, क्या मुमरा का माहौल ख़राब करने की बार बार कोशिश की जा रही है? एक उदाहरण उसका, एक कांवड़ यात्रा अभी तक कभी भी मुमरा शहर से कभी गुजरी नहीं थी, वो कांवड़ यात्रा निकाली गई, उसके बाद शिवाजी महाराज के सम्मान में जो यात्रा निकाली गई वो यात्रा भी इसके पहले यहाँ भी ये रूट कभी नहीं था, ये रूट को भी यहाँ से ले जाया गया, उसका वेलकम किया गया। और दूसरी बात है कि इसमें ये लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि मुमरा के जो सर्वधर्म समभाव या सभी जाति के लोग, हिंदुस्तान के हर जाति का लोग यहाँ रहते हैं,
और हिंदू मुस्लिम आप पहचानोगे नहीं, एक दूसरे के गंदे भी चले जाएंगे तो मालूम नहीं पड़े कौन हिंदू है कौन मुसलमान यहाँ। और ये यात्रा में यहाँ के स्थानीय लोगों का 1% भी इन्वॉल्वेशन नहीं था, ये बाहर के लोग आके माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मैं प्रशासन से बार बार यही कह रहा हूँ कि इसके बाद माहौल ख़राब किया गया तो इसके जिम्मेदार जो होंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाए, तो माहौल ख़राब उमरा का माहौल ख़राब होने के वक्त नहीं लगेगा। ये जो लोग बोल रहे हैं कि आवाड़ साहब के नाम को हाथ लगाएंगे, आवाड़ साहब ने अपना नाम काम करके ऊंचा किया हुआ है, तो उनके काम की ऊंचाई को तुम छू भी नहीं सकते। और ये जो बाहर से आए हुए इम्पोर्टेड जो लोग हैं, ये बबीता जी अगर जेठालाल के कंधे पे भी खड़ी होगी तो भी आवाड़ साहब के काम के ऊंचाई को छू नहीं सकती। और अगर आप आसमान की तरफ देख के थूकोगे तो पलट के आपके पास ही आएगा। तो ये हाथ लगाना नाम निकालना आपके बस का बात नहीं है। तो आपने सुना कि एनसीपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं अब चैलेंज कर रहे हैं कि जिस तरह से 8 दिन का समय दिया गया था कि 8 दिन बाद जो है अगर मनपा नहीं कार्रवाई की तो खुद करेंगे कार्रवाई, लेकिन वहीं एनसीपी के तरफ से कहा जा रहा है कि नाम हटाने की तो बात दूर है और नाम जो लिखा हुआ है वहाँ तक वहाँ पर कोई हाथ भी लगाकर बताए, इस तरह की चैलेंज जो है किया जा रहा है।